respected officers, dear faculties, and all my dear friends. आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले केरला के एक छोटे से गांव में। उस गांव में पैदा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों की बात तो क्या करें, आप ही सुन लीजिए। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा दुख ना जाने का, खाबोगे तुमको से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा दुख ना जाने का, खाबोगे तुमको से चल बनाए बच्चा है, बड़ा तो होगा ही। बड़ा होने के बाद बच्चे को बनना था एक सिंगर, पर उनका पिताजी जो है, उनके पापा थे बेचारे गवर्नमेंट सर्वेंट। अब पापा का कहना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। पापा ने कहा मेरा बेटा बनेगा तो इंजीनियर ही। इस वजह से बेटा बेचारा गया इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टोरीज आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इंजीनियर्स, गिव मी सम चीयर्स। दैट्स ग्रेट। एग्जाम्स का टेंशन, प्लेसमेंट्स का टेंशन, इसके बाद इस बेचारे का हालत कुछ इस तरह हो गया। जैसे तैसे बन गया बंदा इंजीनियर। पर ये बंदा बहुत लकी था, इसको मौका मिला इंडियन रेलवेज में इंजीनियर बनने का। आप तो जानते ही हो, इंडियन रेलवेज में आने के बाद हमारा थॉट प्रोसेस ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इस बंदे को दिखाई दिया एक नई आशा की किरण। गाइस, दिस इज माय लास्ट सॉन्ग, हो सके तो धुन मिला लीजिएगा।
Thank you, everyone.